आई थिंक मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता, आप टेलीविजन में काम करते हैं, फिल्में कर रहे हैं. आई थिंक हर एक इंसान को इस ये जो कैंपेन चल रहा है जो यूएन ने शुरू किया था, ही फिशी जो लक्स यहाँ लेकर आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन है, स्पेशली इस दौरान जो इंडिया में मूवमेंट चल रहा है. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, कहीं भी काम करें, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन एंड बॉयज टू स्टेप अप एंड बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस कैंपेन. क्योंकि ये सिर्फ आई डोंट थिंक इट्स अ फेमिनिस्ट इशू, इट्स अबाउट मैन एंड वुमेन बोथ, इट्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस. तो आई थिंक इट्स माई ग्रेट गुड फॉर्च्यून कि मैं आज यहाँ आ पाया हूँ एंड बी पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन. जितना मुझे पता है, आई एम ऑफकोर्स गोइंग टू बी चेयरिंग ऑल ऑफ देम, बट आई एम ऑल्सो अवार्डिंग एक अवार्ड कैटेगरी है, तो उसके लिए मैं आज यहाँ पर हूँ. लुक इज इंडियन, दिवाली अभी अभी गई है, तो आई एव स्टिल नॉट गॉटन आउट ऑफ इट. इट टेक मी अनदर मंथ टू गेट इन टू क्रिसमस, सो आई जस्ट फेल्ट इंडियन एंड आई फेल्ट आज का जो अनलाइक यूजुअल अवार्ड फंक्शंस, आज की जो अवार्ड फंक्शन है, जो इवेंट है, इट्स अ लॉट मोर, इट्स आई थिंक अ लॉट मोर मीनिंगफुल. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंग्रेचुलेटिंग द बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, इट मीन्स अ लॉट मोर आई थिंक इन सोसाइटी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस स्पेशली मैन बिकम एन इंटेग्रल वॉइस. और महत्वपूर्ण आई थिंक सिर्फ यहाँ आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक यहाँ से बाहर जाकर बातचीत करना अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, एंड हैव दिस डायलॉग अबाउट ही फॉर शी एंड अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिल के करीब वाला इशू. अगर आपने किसी टेलीविजन एक्टर करियर फॉलो किया होगा, आप जानती है वक्त बिल्कुल नहीं होता है, तो आप अक्सर अपना खुद का काम नहीं देख पाते हैं, जो कि मुझे याद नहीं मैंने अपना शो लास्ट कब देखा था. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई ऑफकोर्स कीप ट्रैक ऑफ न्यूज़ वाया ट्विटर, वाया सोशल मीडिया, तो थोड़ा बहुत पता है, पर देख नहीं पाया हूँ, ना ही मैंने वो एपिसोड देखा है. पर आई थिंक आई रिमेंबर रीडिंग टीजेज आर्टिकल जो उन्होंने लिखा था, आई थिंक बहुत ही पोलाइट, बहुत ही ग्रेशियस आर्टिकल था. एंड आई थिंक एवरी मैन और वुमन शुड हैव फुल फ्रीडम टू से व्हाट दे फील, एंड आई थिंक इट्स वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, राइट? तो उन्होंने जो कहा बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहा, एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट आई हैव नो कॉन्टेक्स्ट टू इट, आई हैवन्ट सीन द एपिसोड. सो या, देयर हैव बीन अ लॉट, इट्स डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट कि एक सबसे इंस्पायरिंग कौन थी. आई थिंक ऑल माई टीचर्स स्कूल में, कॉलेज में, मेरी माँ ऑब्वियसली मोर देन एनीबडी एल्स, बिकॉज शी कंटिन्यूज टू आई थिंक हम लोग जब बड़े होते हैं अपने सेल्फिश रीजंस के लिए काम करते हैं, पर अब आज भी जब मुझे अवार्ड मिलता है या वाहवाही मिलती है, आई थिंक शी रियली इन्जॉयज इट, एंड यू नो फॉर हर इट इज़ हर पर्सनल विक्ट्री. तो अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आई डोंट थिंक मैं शायद आज यहाँ होता. उनके बाद देर आर लॉट सो मैनी ऑफ देम, ऑल द को एक्टर्स आई वर्क विद एवरी डे. माई वाइफ आई थिंक बहुत बड़ा सहयोग रहा है उनका मेरे करियर में, मेरी जिंदगी में. तो टू मैनी एग्जाम्पल्स एंड रोल मॉडल्स आई हैव. माई मदर, आई थिंक एनी चाइल्ड ग्रोज अप यू नो एडमायरिंग एंड बींग एन ऑफ द मदर. जब आप बहुत छोटे होते हो तो आपसे कोई पूछता है आप शादी करोगे, तो आप अपनी माँ का नाम पहले लेते हो. आई थिंक सो शी इज़ माई, शी विल ऑलवेज बी द टाइमलेस ब्यूटीफुल मी. आई थिंक मैं इसमें बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, आई थिंक सारा क्रेडिट जाता है जिस मीडियम में मैं काम करता हूँ. टेलीविजन इतना लोकप्रिय मीडियम है, इतने लोग देखते हैं इससे, इतने लोग जुड़े हुए हैं इससे, दैट एवरी वन वॉन्ट्स टू नो वट्स हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ अ टेलीविजन स्टार एक्टर. सो देर इज नो क्रेडिट टू मी, इट्स क्रेडिट टू द इंडस्ट्री आई वर्क इन.